आइए दोस्तों 13 नंबर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 13 नंबर में देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि दो घन के किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों के आयतन V1 तथा V2 है, तो इनकी तुलना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए घन का किनारा यानी उसका भुजा दे दिया गया है, ठीक है। भुजा दे दिया गया है, उसको भुजा को उसका आयतन निकालना है। तो देखिए पहला का 3 सेंटीमीटर और दूसरा का 6 सेंटीमीटर दिया, आइए देखते हैं। तो V1 यानी पहले का आयतन, पहले घन वाले का आयतन यानी 13 का 1, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि घन का आयतन। तो जब घन का आयतन किसका निकालेंगे, V1 का निकालेंगे, यानी V1 यानी घन का आयतन क्या होता है, a³। क्योंकि a बराबर हमारा इसमें क्या दिया था, 3 दिया था, तो अब यहाँ पे 3 पर रख देंगे, यानी 3 रख देंगे, यानी क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, यानी 3 गुना 3 गुना 3, यानी क्या हो जाएगा, 3 * 3 = 9 * 3 = 27, यानी पहला का कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब दूसरा का दिया है जो है इसका, उसके बाद इसी में निकालेंगे घन का आयतन यानी V2 का, घन का आयतन यानी किसका निकालना है, V2 का निकालना है, यानी V2 बराबर हमारा दिया है a³, ठीक है। इसका दिया है a³, यानी a बराबर कितना दिया था, 6, तो यानी 6 का क्यूब कर देंगे, यानी 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 × 36 = 216 होता है, 216 हो गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब क्या कह रहा है कि तुलना करने के लिए कह रहा है, यानी V1 / V2 का तुलना करना है, यानी जब तुलना करना है तो तुलना लिख देंगे, तुलना बराबर, यानी तुलना तुलना बराबर क्या हो जाएगा, बराबर V1 / V2, यानी V1 कितना दिया है, 27, और V2 कितना दिया है, V2 दिया है 216, यहाँ पे V2 216, ये 227, केवल 27 है, यानी 17 / 56, यानी कितना हो जाएगा, 8 मरतों में चला जाएगा, यानी 1/8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घन का किनारा आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। देखिए घन का कह रहा है कि किनारा जो है आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। 13 का 2 नंबर, आइए इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम घन का किनारा देखेंगे, घन का किनारा क्या होता है, तो सबसे पहले घन का किनारा देखेंगे, यानी घन का किनारा तो लिखेंगे, यानी घन का किनारा, यानी घन का किनारा क्या होता है, ए होता है, ए होता है ना। अब कह रहा है कि घन के किनारे को आधा कर दिया जाए, अब मान लीजिए कि इसको हम आधा कर रहे हैं, यानी 1/2 कर दिए, यानी a/2 कर दिए, यानी a/2 कर दिए, यानी आधा हो गया। जब आधा हो गया तो अब कह रहा है कि उसके आयतन पर क्या होगा, कह रहा है कि उसका आयतन पर क्या, उसका आयतन कितना होगा, आयतन पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, a³, तो a³ होगा। अब चूंकि किनारा यानी a बराबर क्या हो गया है, a/2, तो a/2 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे कि a/2 × a/2 × a/2, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3 है, यानी a के पावर क्या लिख देंगे, क्यूब, 2 × 4 × 8, यानी 8 हो गया। यानी कहना पड़ेगा इसमें कि 1/8 किनारा कितना हो जाएगा, यानी 1/8 a³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आइए देख लेते हैं आंसर भी। देखिए आयतन भी दे रहा है, पूर्व आयतन का 1/8 हो जाएगा, यानी पूर्व आयतन का 1/8, यानी क्या हो जाएगा, देखिए ये पुराना वाला आयतन था, आइए दिखा देते हैं। देखिए हमारा पुराना वाला आयतन क्या था, 1/8 a³ था, और पुराना वाला आयतन a³ यहाँ पर है, तो एक पुराना वाला आयतन का क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्व का आयतन का 1/8, पूर्व के आयतन का 1/8 होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। देखिए घन का किनारा दुगुना करना है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। 13 का 3 नंबर, ठीक है। तो 13 का 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि घन का किनारा क्या होता है, तो घन का यहाँ पे लगा लीजिएगा, घन का किनारा जो है हमारा होता है क्या, ए होता है। तो घन का किनारा क्या करना पड़, दुगुना करना पड़ता, दुगुना कर दिए, घन का किनारा दुगुना हो गया। अब पूछ रहा है कि उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आयतन क्या होगा। तो लिखेंगे कि घन का आयतन, तो घन का जब आयतन निकालना होगा तो घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है।
यानी ए क्यूब यानी दो का क्या करेंगे, देखिए घन का आयतन ये हो गया, ये आ गया है तो यहाँ पे ए क्यूब कर दिए, यानी इसको लिख सकते हैं 2a गुणा 2a गुणा 2a, इन दोनों 4 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा, ये तीन को मिलकर क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, यानी हमारा 8 गुना हो जाएगा, यानी पूर्व आयतन का 8 गुना। तो लिख सकते हैं क्या कि पूर्व आयतन का 8 गुना हो जाएगा, पूर्व आयतन का 8 गुना होगा। ठीक है, आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो दिख रहा है कि दो घनाभों को की बीमा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इन घनों के आयतन V1 तथा V2 ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। देखिए कह रहा है कि इनके घनों का आयतन और V1 और V2 ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए 4 नंबर में। ठीक है, देखिए कह रहा है कि घनों का आयतन, तो निकलेंगे पहला का ना कि घनाभ का आयतन, हम लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ही दिया है। ठीक है, आयतन यानी V1 बराबर क्या दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दे दिया है। ठीक है, यानी L हमारा कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, B कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी 4 3 12 2 24, यानी 24 जो होता है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, V1 हुआ। ठीक है, V1 हुआ। उसके बाद देखिए V2 निकालेंगे, यानी घनाभ का, यानी V2 यानी घनाभ का आयतन दूसरा का, ये हो गया कितना, दूसरा का हो गया, यानी V2 बराबर, यानी V2 बराबर क्या लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए जब भी अगर मल्टीपल मैंने गुना में करके दिया रहता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए ये 6 9 12 है, हालांकि 12 भी ले सकते हैं लंबाई, हालांकि जो बड़ा होगा ना उसको लंबाई लेंगे। देखिए 12 लंबाई हुआ, 9 चौड़ाई हुआ और 6 ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे इसको, तो 12 9 108 हो गया और 108 6 यानी 8 6 48 और 6 1 6 यानी कितना हो गया, 668 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, 668 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या करेंगे कि तुलना करने के लिए बोल रहा है ना, तो जब तुलना करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग लिख देंगे कि तुलना मतलब इसका V1 by V2 करेंगे, लिख देते हैं तुलना, तुलना बराबर V1 by V2। ठीक है, कितना है 27 है, ये 24 आया है इसका पहला का और इसका कितना है 2 668 दिया है। तो आप लोग इसको भाग लगाइएगा, जब भाग लगाइएगा ना तो ये आपको आ जाएगा 1/27 के रूप में, तो यही हो जाएगा हमारा, इसका तुलना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कितना नंबर था ये, 4 नंबर 5 नंबर देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में भी सेम टू वही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि दो घनों की बीमा 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है और इतना दिया है, तो घनों का आयतन V1 तथा V2 का तुलना ज्ञात कीजिए, सेम टू वही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, देखिए सब सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, सब सेंटीमीटर में, इसमें देखिए सब सेंटीमीटर में दिया है, सब सेंटीमीटर में दिया है, सिंपली वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितना नंबर है, 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर, तो घनाभ का आयतन, आयतन यानी क्या, V1 निकालेंगे, क्या चीज, L × B × H, यानी L हमारा कितना दिया है, L दिया है 6 सेंटीमीटर, जो दिया है वैसे भी गुना भी कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 गुणा ले लेते हैं इसको, 4 सॉरी रुकिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ सॉरी 8 लेंगे ना, 8 8 गुणे और ये दिया है 6 गुणे 4। ठीक है, जो ज़्यादा होगा ना उसको लंबाई के रूप में ले लेंगे, यानी 8 4 का 32, अब 32 6 ले लीजिए, 32 6 6 2 12 के दोहर से ले, 6 3 18 1 19, यानी 192 आ गया है, 192 क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा का निकालेंगे, घनाभ का आयतन यानी V2 बराबर क्या होगा, V होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई L बराबर हमारा क्या दिया है, L बराबर दिया है मान लेंगे इसको 4 × 3 × 2। ठीक है, 4 3 12 2 24 24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसको तुलना करने के लिए बोला है तो केवल तुलना आराम से यहाँ पे कर देंगे कि तुलना बराबर V1/V2, यानी कितना है 24 है और यह है 192, इसको कटा देते हैं, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, आप लोग सिंपली भाग दे दीजिएगा, देखिए कितना में कट जा रहा है, 4 8 32 8 मरदों में ले चलिए, तो
आठ चौका 32 के 2 और 8 से 3, 8 दूना 16, 8 दिन 16 तीन 19 हो जाएगा। कितना मरतबा हो गया? 8 मरतबा में, यानी 8 मरतबा यानी 1/8 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये तुलना के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तुलना के रूप में। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटने पर 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का कोई घन है उसको काट काट के 2 सेंटीमीटर का घन बनाना है, 2 सेंटीमीटर का किनारा वाला घन बनाना है, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसको बस एक सिंपली तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं कि बड़ा वाला घन का क्षेत्रफल, बड़ा वाला घन का आयतन बटा छोटा वाला घन का आयतन निकाल देंगे, सिंपली बन जाएगा। ठीक है, आप लोग को बस सिंपली बता दे रहे हैं। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि घनों की संख्या है ना, घनों की संख्या कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो सिंपली लिखेंगे कि घनों की संख्या बराबर, 14 नंबर है, ठीक है, लिखेंगे घनों की संख्या बराबर बड़े वाला घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन बट्टा छोटे वाले घन का आयतन। ठीक है, आयतन यही थोड़ा सा अथी हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, छोटे वाले घन का आयतन, आयतन आयतन लिख लीजिएगा। ठीक है, आयतन यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बड़ा वाला घन यानी एक ही बड़ा वाला कर देते हैं और ये क्या करते हैं, छोटे वाले घन को कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़ा वाला घन का आयतन मतलब बड़ा वाला घन का ये भुजा कितना दिया है, 8 दिया है, यानी 8 का क्यूब कर देंगे, अब बटा में क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, यानी कहने का मतलब 8 × 8 × 8 अब बटा में 2 × 2 × 2 कर देंगे, अब कटा देंगे, 2 चौका 8 2 चौका 8 2 चौका 8, यानी क्या बच गया हमारा, 4 × 4 × 4 यानी 4 चौका 16 16 चौका 64, यानी 64 घन जो है बनाया जा सकता है 4 चौका 64, यानी घनों की संख्या कितनी हो गई, घन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप 15 नंबर है ना, इसी का 2 नंबर है ना, 2 नंबर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को काटकर 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। सिंपल वैसे ही करना है, ठीक है, घनों की संख्या बराबर लिख देंगे, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बटा छोटे घन का आयतन, यानी क्या हो जाएगा, बड़े घन का आयतन 15 का क्यूब कर देंगे, अब बटा में क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, अब बस सिंपली 15 × 15 × 15, ठीक है, अब बटा में क्या करेंगे, 3 × 3 × 3 यानी 3 × 15 यानी हमारा कितना बच गया, 5 × 5 × 5 यानी 5 × 5 = 25 × 125 को हमारा घनों की संख्या, तो लिखेंगे कि घनों की संख्या बराबर 125। चलिए ये चैप्टर सम कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं हम आगे। ठीक है, और आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम भी मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, हम उस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, और इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए।